सीरियल उडारिया की बात करें तो शो में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार सब कर रहे थे, यानी कि फतेह और जैस्मीन की शादी। दोनों दुल्हा दुल्हन बन चुके हैं, सब लोग बेहद खुश हैं। यहाँ फतेह के घर में सब डांस कर रहे हैं, फतेह दुल्हा बन गया है, उसकी नजरें उतारी जा रही हैं, और साथ ही साथ इधर खुशवीर सिंह गिल जो है फतेह को अलग ले जाकर उससे बात कर और पूछ रहे हैं कि तुमने जैस्मीन को ये बात बता दी है ना कि तुम बहुत जल्द नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हो। यहाँ पर फतेह कहता है कि नहीं, अभी वो नहीं बताया है, लेकिन आज ही वो बता देगा ताकि मंडप में जैस्मीन खुशी खुशी बैठे। वेल, बारात निकलती है, सब लोग खूब डांस करते हैं, और इधर जैस्मीन भी दुल्हन बनकर बहुत खुश है। सब कोई बहुत खुश है, खुश नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जैस्मीन के पापा, क्योंकि जैस्मीन के पापा ने अभी तक जैस्मीन को सच्चाई नहीं बताई है। वेल, अब आगे बता दें कि इधर बारात पहुंच चुकी है, और बारात पहुंचने के बाद तेजो और उसकी टीम है, यानी कि तेजो उसके भाई बहन जो है वो खूब तंग कर रहे हैं फतेह को, उससे शगुन मांग रहे हैं, उनके जूते चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फतेह जैस्मीन से मिलना चाहता है और उसे शादी से पहले बताना चाहता है कि वो दूसरे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए 2-3 दिन में वो इंटरव्यू दे देगा, लेकिन जैस्मीन नहीं मिल रही है। जैस्मीन को खोजने के क्रम में वो तेजो और तेजो के पापा की बात सुन लेता है, क्योंकि इधर तेजो के पापा बहुत रो रहे होते हैं, और तेजो जब देख लेती है तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती है और कहती है कि पापा बात कुछ और है, आप मुझे सच सच बताइए। तेजो अपनी कसम दे देती है। इसके बाद तेजो के पापा सब कुछ बता देते हैं। तेजो कहती है कि पापा, ये आपने क्या कर दिया, आपने जैस्मीन को और किसी को सच क्यों नहीं बताया, आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये बात जब तेजो और तेजो के पापा कर रहे थे तभी फतेह सुन लेता है। अब देखना दिलचस्प होता है कि अब क्या करता है फतेह, क्योंकि फतेह झूठ बोलकर तो शादी नहीं करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की रिपोर्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, 23 न्यूज़।